में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सादिकाबाद जुडिशियल कॉम्प्लेक्स आने वाले रास्ते पर बारिश का पानी जमा। बारिश के पानी के सबब अदालतों को जाने वाले रास्ते बंद हो चुके। वकला और साइलीन को अदालतों तक पहुंचने में परेशानी का सामना। बरसाती पंजाब के अदम निकासी के बायस वकला ने अदालती बायकॉट भी कर दिया। ये सूरत हाल है कि जनूबी पंजाब के बेशतर इलाकों में बारिश के बाद इस फसलें तबाह हो चुकी है। किसान का नुकसान हुआ है, पकी हुई फसलें तबाह हो चुकी है। जनूबी पंजाब के बेशतर इलाकों में बारिश ने तबाही मचा दी है। किसान की फसलें तबाह हो गई, जबकि आम की बात की जाए तो आम के बागात भी नुकसान का सामना कर रहे हैं। किसान को शदीद नुकसान हुआ है। जनूबी पंजाब भर में यह सूरत हाल है, जहां पे गुज़श्ता दो रोज से तूफानी बारिशें जारी हैं। तेज हवाओं और तेज बारिश के बायस फसलें तबाह हो चुकी हैं। सैलाबी रैलों के बायस किसान की गंदम की तैयार फसल बह चुकी है, जबकि कुछ पानी की नजर हो गई, कुछ सैलाब की नजर हो गई। डेरा गाजी खान से हमें ज्वाइन किया है जिशान सफदर ने, और मुल्तान से हमें ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद मकसूद। इनसे तफसीलात जानेंगे। सबसे पहले रुख करते हैं जिशान सफदर का। जी जिशान, कहिएगा कि डेरा गाजी खान के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, डीजी खान की मुख्तलिफ इलाकों की खूबसूरत हाल आप इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं इस वक्त एक खेत में मौजूद हूं, जो कि यहां पे काला के करीब शादा लुंड के करीब एक बस्ती है। उस बस्ती का ये मंजर है, यहां पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन खेतों में रोद कोही का पानी आ चुका है और आवाम यहां पे अपने गंदम की जो ढेरियां इन्होंने बनाई हुई थी उन ढेरियों को उठाने में मसरूफ दिखाई दे रही है। और यहां पे रोद कोही के पानी ने इतनी तबाही मचाई है कि जो खड़ी हुई फसलें थी वो भी तबाह होकर रह गई हैं। और इसका अंदाजा आप ये इस बात से लगा सकते हैं कि ये देखें, ये गंदम का ये खोशा है और ये किस कदर काला हो चुका है और बारिश के पानी से, रोद कोही के पानी से ये खराब हो चुका है। अब किसानों का कहना है कि यहां पर ये लोग बर्बाद होकर रह गए हैं। तकरीबन बेशतर रकबा जो था, बेशतर एकड़ मुहित रकबा यहां पर बिल्कुल पानी की नजर हो चुका है। यहां पर आप देख सकते हैं कि पानी की रफ्तार किस कदर है और ये कोहे सुलेमान से पानी आ रहा है, जो कि रोद कोही के जरिए यहां पे मुख्तलिफ नदी नालों के अंदर जो तोगियानी आई है उन तोगियानों की यहां पे उसके नतीजे में ऐसा हुआ है। आप देख सकते हैं कि आवाम किस तरह से परेशान दिखाई दे रही है और इसके साथ साथ यहां पे खेतों से, एक खेत से पानी निकलकर दूसरे खेत में यक्के बाद दीगरे दाखिल हो रहा है। यहां पर किसानों की भी बड़ी तादाद मौजूद है, जो कि अपना यहां पर नुकसान होते हुए खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं और खून के आंसू भी रो रहे हैं, क्योंकि इनकी मेहनत की कमाई होती है और यह पूरा 6 महीने इस फसल पे मेहनत करते हैं ताकि ये गंदम अपने बच्चों के लिए और अपना रोजगार कमा सके। इसी हवाले से हमारे साथ बहुत सारे किसान भी मौजूद हैं, इन किसानों से भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। ये यहां पे बेचारे अपना साजो सामान लेकर, इन्होंने अपने बच्चों को तो खुशकी की जगह बिठा दिया है लेकिन यहां पे अपनी फसलों को नहीं बचा सके। यहां पे इन्होंने बहुत कोशिशें की कि इनकी फसल बच जाए लेकिन इनकी फसलें नहीं बची। आप देख सकते हैं इस वक्त मैं एक खेत में मौजूद हूं और किस कदर कितना ऊंचा पानी आया। अभी तो ये कम हो चुका है क्योंकि बारिश यहां पे थोड़ी सी कम हुई है। इसी हवाले से हमारे साथ एहले इलाका मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। आप मुझे बताइएगा आपका कितना रकबा था और यहां पे किस कदर बारिश ने, रोद कोई के पानी ने नुकसान पहुंचाया? हमारा पूरा मौजा भी ये ऐसे डूब गया है, पूरा मौजा। हमने कोई 50 एकड़ काश किया था, सब लौट गया है। कौन कौन से मौजे हैं यहाँ पे? कौन ये मौजा सब्जानी है, ये सुहराजार है, और ये जो हमारी सोरी लुंड का जो पानी आता है इसकी जिम्मेदार खुद हुकूमत है। ये जीटी रोड पर जो पुल बना रहे हैं, जाके इन्होंने दर्रे से उधर नोतक पुल बंद कर दिया और हमारी फसलों की तरफ पानी छोड़ दिया। बिल्कुल, हुकूमत ने कहते हैं कि फसलों की तरफ पानी छोड़ा है, आगे एक पुल बनाया जा रहा है और उस पुल के रास्ते को बचाने के लिए इन्होंने पानी का रुख किया। इस वक्त मैं आपको बता सकता हूं कि यहां पे सूरी लुंड का इन्होंने बताया, जो कि यहां पे डीजी खान का एक दर्रा है जहां से रोद कोही का पानी आता है। और इस वक्त मैं बिल्कुल, मेरे पीछे यहाँ पे कोहे सुलेमान का पहाड़ी सिलसिला भी आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं और इन्हीं पहाड़ों से पानी तेजी से इन्हीं फसलों की जानिब बढ़ा है और बीच में कोई इस तरह का बंद नहीं था जो कि इन फसलों को रोक सके। और ये इस बार हुआ है, पहले भी बारिश होती है यहाँ के किसानों का कहना है, लेकिन यहाँ पे पहले पानी नहीं आया। इसी हवाले से हमारे साथ ये और बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी हम बात करते हैं। आप मुझे बताएं यहाँ पे आपका कितना रकबा था और कितना नुकसान हुआ है?
नुकसान बहुत होता है, मेरा अपना जाए पूरा मौजा होता है, मेरा अपना 40 बीघा रकबा होता है, वो सारा जरा बढ़ गया है, बाकी कच्चे हाथ ने डीजल बाल बाल खाद वाले ताकू बस दें। बिल्कुल इनका कहना है कि इन्होंने लोन लेकर, बैंक से लोन लेकर इन्होंने ये फसलें काश्त की, इन्होंने खाद लिया और इसके साथ साथ स्प्रे इन्होंने ली ताकि इनकी फसल अच्छी हो, कीड़े से बचाया जाए। इन्होंने पूरा 6 महीने इस पे बच्चों की तरह इनको पाला और इसके बाद अभी रोड कोही के पानी ने इनकी सारी मेहनत इस पानी में बहा दी। देख सकते हैं आप पानी का फ्लो भी देख सकते हैं, मैं इस खेत में मौजूद हूं और बड़ी मुश्किल से यहां पे मैं भी चल रहा हूं क्योंकि यहां पे पानी की रफ्तार जो है तेज है और इस वजह से यहां पे ये पानी जो है ये सारे के सारे गंदम के जो ढेरियां बनी हुई है उन ढेरियों को यहाँ पे बहा के ले जाता है। इस वक्त यहाँ पे सैलाब की सूरत हाल है और इन्होंने अपने बच्चों को, जो यहाँ पे करीब करीब बस्तियां थी, इन्होंने अपने बच्चों को यहाँ पे खुश्की की तरफ मुंतकिल कर दिया और इनकी फसलें थी वो फसलें सारी यहाँ पे कटकर तबाह हो चुकी हैं और इस वक्त यहाँ पे बहुत सारे लोग ये ढेरियां भी उठा रहे हैं गंदम की। इस भाई से मैं बात करता हूँ, आप मुझे बताइएगा आपका टोटल कितना रकबा था और आपका कितना नुकसान हुआ है? 50 एकड़ था हमारा, तो पूरा मौजा भी डूब गया है इस तरह जिस तरह देख रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं यहाँ पे जिले इंतजामिया की जानिब से कोई रिलीफ कैंप लगाया गया हो, कोई यहाँ पे कोई रिलीफ दी गई हो? कोई भी तावन नहीं किया गया हमारे साथ, हमारा जितना भी रहता सारा पूरा मौजा सब्जा ने टूट गया है। हमारा मेंबर है जी, बिल्कुल इनका कहना है कि यहाँ पे किसी ने भी इनकी हेल्प नहीं की और इस वक्त इस खेत में आप ये मनाजिर देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे रोड कोई का पानी फसलों को तबाह करता जा रहा है और तमाम तर ये ढेरियां, मेरा कैमरामैन रिहान अली आपको दिखाएगा कि यहाँ पे ये ढेरियां पड़ी हैं जो कि एक जगह पे इकट्ठी हो चुकी हैं, इनको आसरा हुआ है थोड़ा सा तो ये एक जगह पे इकट्ठी हो रही हैं, लेकिन ये ढेरियां अब किसी काम की नहीं है। किसानों का कहना है कि ये सारा पानी जो है इनमें घुस चुका है और ये दाना बिल्कुल खराब हो चुका है। इन्होंने पूरा 6 महीने यहाँ पे मेहनत की, लोन लेकर बैंक से लोन लेकर इन्होंने अपनी फसलें काश्त की, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे इनकी फसलें नहीं बच सकी और इस वक्त ये लोग जो हैं अपने फसलों को बचाने के लिए यहाँ पे आए हैं लेकिन इनकी फसलें नहीं बच सकी। और जो आगे का इलाका है इस मौजा सब्जियानी से, इससे आगे भी बहुत सारी फसलें हैं जो काश्त हुई है। कोहे सुलेमान से आने वाले पानी ने तबाही मचा दी। बहुत शुक्रिया जशांत सफ्तर, आपने तफसीलन अपडेट किया। हमारे साथ ही रहिएगा, रुख करेंगे मुल्तान का जहाँ पर मौजूद है मोहम्मद मकसूद चौहान। मकसूद बताइएगा मुल्तान की क्या सूरत हाल है, यहाँ पर किसानों की कितनी परेशानी है, कितनी फसलें खराब हुई और पानी की क्या सूरत हाल है? बिल्कुल यहाँ पर जो फसल की अगर बात करें तो गुज़श्ता 2 रोज से जो होने वाली ज्याला बारी और तूफानी आंधी ने यहाँ की जो गंदम की फसल है वो तबाह करके रख दिया। उसके साथ साथ अगर आम की फसल की बात करें तो उस पर बुर आ चुका था, जो बुर बारिश के होने और आंधी की वजह से जो है वो खत्म होता जा रहा है, उसकी भी पैदावार में कमी वाकया हो रही है। और उसके साथ मकई की जो फसल है वो भी तबाह होकर रहेगी और उसके साथ जो ज्याला बारी की वजह से जो यहाँ पे लगाए बिजली के खंभे थे वो भी जो है उखड़ चुके हैं और उसके साथ साथ जो जानवर हैं वो भी उनके भी वो भी मरे हैं यहाँ पर ज्याला बारी की वजह से और किसान बरादरी को जो है शदीद मुश्किलात का सामना है और शदीद उन्हें नुकसान हुआ है। इससे तक खातून किसान हमारे साथ मौजूद हैं जिनकी ये इस वक्त ये फसल में जिनके खेत में मैं मौजूद हूँ वो तबाह हो चुकी है बारिश के पानी की वजह से, उनसे भी मजीद जानते हैं, उनका इस बारे में कहना है। जी अम्मा जी बताइएगा कितना नुकसान हुआ है और कितनी आपकी एकड़ जमीन थी जिसकी ये गंदम आपकी जो है बर्बाद हो गई है? जी बताएं। हेलो जी, बोले हाँ, अपनी गंदम सारी खराब हो गई है, बहुत हो गया है, आप अपने हत्था से बोई है, निके निके बच्चे हैं, उसको खिलाने के लिए नहीं बची, कुछ है नहीं बची। अच्छा, आप किसी से मुतालबा करना चाहेंगी कि आप किसी के साथ कोई मदद की जाए, कोई इमदाद की जाए? हाँ, आपके साथ कोई इमदाद किया जाए, अपने निके निके बच्चे हैं, हम लोग कितने खमाएं, है भी नहीं, कुछ है भी नहीं बची। जी बिल्कुल, यहाँ पे ये जो खातून है, किसान खातून है, उनका कहना है कि उनकी जो फसल है पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है, तबाह हो चुकी है, जिसकी वजह से उनके जो बच्चे हैं अब वो फाके की तरफ जा रहे हैं और उनका उन्होंने इमदाद की जो है अपील भी की है वजीर आजम इमरान खान से कि उनकी इमदाद की जाए ताकि जो आइंदा आने वाले दिनों में उनके जो घर का राशन है वो भी बहाल हो सके और जो उनके घर के बच्चों की तालीम है वो भी चल सके। लेकिन जो बारिश की वजह से जो
तबाही आई है वो सिर्फ गंदम पर ज्यादा असर उसके आए हैं, और गंदम क्योंकि तैयार फसल तैयार हो चुकी थी और वो इस वक्त तबाह हो चुकी है, और जो गंदम का जो पुली थी वो भी खत्म हो चुकी है और इसके अंदर से सिर्फ खाली खोल रह गया है, और गंदम के जो किसान बरादरी है वो इससे शदीद परेशान होकर रह गई है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद मकसूद, तफसीलात से आगाह कर रहे थे आप मुल्तान से, जबकि दूसरी जानिब डेरा गाजी खान से हमें अपडेट कर रहे थे जिशान सफदर, दोनों का बहुत शुक्रिया। और अब रुख करेंगे खानेवाल का, जहां पर तीन रोज से जारी जालाबारी तेज बारिश ने गंदम की फसल समेत सब्जियों को भी तबाह करके रख दिया। काश्तकारों का कहना है कि हुकूमत जिला खानेवाल को आफत ज्यादा करार देकर काश्तकारों को सब्सिडी फराहम करे। इसी हवाले से तफसीलात हासिल करेंगे नदीम मोगल से। बिल्कुल, दो रोज पहले तूफान जालाबारी और तेज बारिशों और तेज हवाओं के बायस जहां शहरी आबादी में मुख्तलिफ जगह पर नुकसान हुआ है, वहीं अगर हम गंदम की तैयार फसल की अगर हम बात करें तो हजारों एकड़ पर खड़ी गंदम की तैयार फसल जो है मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। और आपको पता चले कि गुज़िश्ता दिन से भी तेज बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है, जहां कहीं भी थोड़ी बहुत गंदम बाकी रह गई थी गुज़िश्ता दिन आने वाली बारिश ने जो है उसको भी तबाह कर दिया। मजीद हम इस पर हम बात करेंगे। अब ताज़ा सूरत हाल पर हमारे साथ किसान इत्तेहाद के जिला खानेवाल के सदर मौजूद हैं रमजान जेडर साहब। ये कहेगा कि जी काश्तकारों को बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, तो इस हवाले से क्या कहना चाहिए? मैं यही गुजारिश करूंगा जी गवर्नमेंट से कि वैसे तो अल्लाह ने जो किया है वो बेहतर जानता है, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे साथ कुछ तआमुल करे, जिम्मेदार को कम अज कम फी एकड़ कुछ मदद करे ताकि हम बच्चों का पेट पाल सके, आने वाली फसल जो है उसका कुछ सद्देबाब कर सके। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि एक तो हमें गंदम का बीज जो है वो आगे अच्छा बीज और सस्ता और मुफ्त बीज दिया जाए, और कोई ऐसे बैंकों में काउंटर बनाए जाए दस्ती जो हमें बगैर सूद के कर्जा जारी करें ताकि हम आने वाली फसल है उसको तो कम से कम काज कर सकें। अब ये मेरे साथ जिम्मेदार खड़ा है, इस बेचारे की 23 एकड़ है, तो मेरे ख्याल में 23 मन नहीं निकलती, तो ये बेचारा कहाँ जाएगा? इसलिए गवर्नमेंट से अपील है कि हमारी दिलजोई करे, हमारे साथ खड़े हो। गवर्नमेंट चूँकि पहले भी मदद करती है तो फी एकड़ के हिसाब से जो मुनासिब समझे हमें मदद की जाए। जी बिल्कुल, फी एकड़ के हिसाब से जो है किसानों की मदद की जाए, ऐसा कहना था किसान इत्तेहाद के सदर रमजान जेडा का। हमारे यहाँ पर काश्तकार भी मौजूद है। जी बताइएगा कि आपकी गंदम की फसल जो है मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है, इसके साथ साथ और कौन कौन सी फसलें हैं जो तबाह हुई? जी मेरा टमाटर था वो भी बिल्कुल तबाह हो गया है। जी गंदम की फसल 15 एकड़ थी वो बिल्कुल तबाह हो गई है, उसके दाने सिर्फ ज़मीन पे मिलते हैं और कोई सिटी वगैरह नहीं है जी। और भिंडी लगाई हुई थी, 1 एकड़ भिंडी लगाई हुई थी, कपास की फसल 5 एकड़ लगाई हुई थी, बिल्कुल तबाह हो गई है जी। जी बिल्कुल, जैसे काश्तकारी गुफ्तगू भी आपने सुनी, उनका कहना ये कि उसकी गंदम की फसल के साथ साथ जो सब्जियां और जानवरों का चारा जो काश्त किया हुआ था वो भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। तो इस हवाले से किसान इत्तेहाद की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है हुकूमत पंजाब से। हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया नदीम मुगल, तफसीलात से आगाह करने के लिए आगे।